वेलकम टू इन्फो 6। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आप कैसे बूटेबल यूएसबी क्रिएट कर सकते हो मैक ओएस का। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसके लिए आपको सबसे पहले ऐप स्टोर ओपन करना होगा। इस वीडियो में मैं मैक ओएस हाई सियरा का बूटेबल यूएसबी क्रिएट करूंगा। तो आपको सबसे पहले ये जो सर्च बार है यहाँ पर टाइप करना होगा मैक ओएस हाई सियरा। तो ऑलरेडी यहाँ पर मैक ओएस हाई सियरा दिखा रहा है तो इसीलिए मैंने क्लिक कर दिया एंड यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन भी आ जाएगा। और मैंने यहाँ से ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दिखा रहा है और मैंने ये वो देखिए ओएस ओपन कर लिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैक ओएस हाई सियरा। अब मैं इसको क्विट कर देता हूँ। आप एप्लीकेशन फोल्डर पे जाके चेक कर सकते हो डाउनलोड हो गया है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी डाउनलोड हो गया है, इंस्टॉल मैक ओएस हाई सियरा दिखा रहा है। अभी आपको एक पेन ड्राइव की ज़रूरत होगा, तो पेन ड्राइव 8 GB या 16 GB होगा तो अच्छा है, लेकिन 8 GB से अगर कम होगा तो नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने पेन ड्राइव अटैच कर दिया है तो पेन ड्राइव दिखा रहा है नो नेम। अभी आपको डिस यूटिलिटी ओपन करना होगा एंड इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना होगा। तो देखिए मैं ये कैसे करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये है डिस यूटिलिटी। तो यहाँ पर मेरा मैकिंटोस HD दिखा रहा है एंड ये जो पेन ड्राइव मैंने अटैच कर दिया है वो भी दिखा रहा है। तो यहाँ से आपको ये जो नेम है यहाँ पर अनटाइटल्ड कर देना होगा एंड ये जो फॉर्मेट है ये आपको सिलेक्ट करना है मैक ओएस एक्सटर्नल जर्नल। उसके बाद आप इरेज पे क्लिक कर दीजिए तो ये फॉर्मेट हो जाएगा। देखिए तो फॉर्मेट सक्सेसफुली डन। अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना होगा। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको सबसे पहले ओपन करना होगा टर्मिनल। तो आप एप्लीकेशन पे जाके टर्मिनल ओपन कर लीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। टर्मिनल ओपन करने के बाद एप्लीकेशन फोल्डर पे आपने जो OS डाउनलोड कर लिया है वहाँ पे जाना होगा एंड आपको राइट क्लिक करना होगा। वहाँ पे आपको दिखाएगा सो पैकेज कंटेंट, तो वो आप ओपन कर लीजिए। उसके बाद एक फोल्डर आएगा कॉन्टेंट्स, वो आप ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको रिसोर्स फोल्डर ओपन करना होगा। फिर से आपको टर्मिनल पर जाना होगा एंड टाइप करना होगा sudo, उसके बाद स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्रिएट इंस्टॉल मीडिया, वो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है यहाँ से। देन टाइप करना है डैश डैश वॉल्यूम स्पेस। उसके बाद आपको अटैच करना होगा आपके USB, तो मैंने ऑलरेडी अटैच कर लिया है। तो ये जो USB टाइप है ये आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है यहाँ पे। उसके बाद आपको टाइप करना होगा डैश डैश एप्लीकेशन पाथ स्पेस। स्पेस देने के बाद आपको फिर से एप्लीकेशन फोल्डर पे जाना होगा जहाँ पे OS डाउनलोड है। तो वहाँ पे जाने के बाद जो OS का फाइल है वो आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इंस्टॉल मैक ओएस हाई सियरा, तो ये पूरा फाइल मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। उसके बाद आपको एंटर पर क्लिक करना होगा। देन आपको पासवर्ड देना होगा, आप कंप्यूटर ओपन करने के टाइम जो पासवर्ड देते हो वही आपको यहाँ पे देना होगा। तो पासवर्ड मैं टाइप कर देता हूँ। पासवर्ड देने के बाद आपको वाई पे क्लिक करना है। तो वाई पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से एंटर पे क्लिक करना होगा। तो देखिए यहाँ पे प्रोसेस शुरू हो गया है। तो ये कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगता है। जब तक ये फुल कंप्लीट नहीं हो जाता आपको वेट करना होगा। तो आप देख सकते हो मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। आप विंडोज़ लैपटॉप एंड PC से भी मैक ओएस के बूटेबल USB क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा। एंड ये जो फुल प्रोसेस मैंने यहाँ पे दिखाया है इसका सारे कमांड मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो। डायरेक्ट वो कॉपी पेस्ट करके आप ये फुल प्रोसेस कर सकते हो। अगर आपको बूटेबल USB क्रिएट करने में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह का और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल इन्फो 6 को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए।